जमील आया है 11 बजे, अभी सफाई कर रहा है और मैं भी देर से उठाऊं, जमील आया है उसके बाद उठाऊं। और रूम भी क्लीन कर दिया है जमील ने। मैंने रात को वाइट सूट पहना था, जमील लगा हुआ है काम पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बाबू निज़ाम। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रात को मैं सो गया था और सहरी करके नमाज पढ़ के फिर सो गया था, और अभी उठाऊँ रात के, रात को भी मैं सो गया था जल्दी और उठा था बस सहरी की, फिर नमाज पढ़ी फिर सो गया। तो अभी मैं उठाऊँ, जमील आया उसके बाद उठाऊँ। तो जमील कर रहा है सफाई और हम भी अपने काम की करते हैं और आपसे शेयर करते हैं आज हम क्या क्या करते हैं। तो फिलहाल तो जमील से पूछते हैं वो क्या कर रहा है और जमील को क्यों देर हुई है। आज जमील बहुत देर से आया है, मैंने इसे लड़ाई भी की है। तो अब जमील से पूछते हैं कि इसने क्यों देर की है, इस बेचारे की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, इसके टांग में कोई दर्द है और थोड़ी तबीयत भी ख़राब है। पूछते हैं क्या हुआ इसे, क्या हुआ है तुझे तेरी हाल? आज मेरे को देर हो गई काम से, और मेरी तबीयत सही नहीं थी, उस वजह से थोड़ी देर हो गई काम से। अभी मैं काम कर रहा हूँ जी। और मुझे हुआ क्या है तुझे ये तो बताओ। मुझे ना आज तबीयत में थोड़ा दर्द है और टांग में दर्द है। टांग में क्या धकवक लगा है क्या? नहीं, थोड़ा दर्द है कल से। अच्छा, और अभी काम कर रहा हूँ, थोड़ा काम किया है अभी। तो चलो अभी सफाई कर दिया तो काम को छोड़ दो। नहीं, बस थोड़ा काम कर दिया है अभी, बाकी थोड़ा है वो करके फिर जाऊंगा डॉक्टर को दिखाऊंगा। कौन से डॉक्टर को? डॉक्टर सत्तार। अच्छा, जहाँ पे तुम काम करते हो? हाँ, वहाँ पे दूसरे, उधर भी मेरे को काम करना है 3-4 घर का। तो इतनी तबीयत खराब है तो आज काम को छोड़ दो, छुट्टी कर दो। मेरे को करना ही होगा ना। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। दवा मैं लेकर दूँ आपको? सही है, अगर लेकर दोगे तो आपकी मेहरबानी। जैसे आप बोलो, बोलो तो दवा लेकर दूँ, बोलो तो पैसे दूँ। नहीं, आप पैसे दो। ठीक है, आप ये फिर काम ख़त्म करो तो पैसे देता हूँ मैं आपको। ठीक है, शुक्रिया। तो यूस, आज जमील की तबीयत ख़राब है, इसको मैंने रोका कि जो काम किया है तो किया है, बाकी छोड़ दो काम को, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये बोला है नहीं, काम थोड़ा है करके फिर दवा लेता हूँ। तो हम पहले ये भले काम ख़त्म कर ले तो उसको हम पैसे देते हैं। तो ये दवा लेकर आए, उसको टांग में भी दर्द है और उसको थोड़ा सा हल्का हल्का बुखार भी है। तो ये काम ख़त्म कर दे तो फिर मिलते हैं आपसे, और बाहर देखते हैं क्या कर रहा है गूंगा, मिलाते हैं आपसे आज गूंगे को भी। ये है गूंगा और ये है गूंगे की दुकान, और ये गूंगे के हाथ में पैसे। आज क्या कमाया है आपने? अल्लाह का शुक्र है, बहुत मिले। कितना कमाया है ये तो बताओ। तकरीबन 1200 एक मिले, 200 दूसरे। अच्छा, मतलब आज की दिहाड़ी कितनी निकली तेरी? 1400 रुपये। बकरों को घास दिया है? नहीं। क्यों? वादा नहीं। जाओ अभी घास लेके आओ, बकरों को घास देते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। थोड़ी देर के बाद ओके। हम सफाई करेंगे क्योंकि ये घास वास इधर पड़ा है, तो मैंने गूंगे को कहा है ये पहले सफाई करो फिर इनको घास देते हैं। तो गूंगा सफाई कर रहा है, सफाई कर ले तो फिर उनको घास देते हैं। अभी ये दोनों घास खा ले, तब तक जमील को देखते हैं क्या कर रहा है। अभी ये दोनों घास खा ले, तब तक जमील को देखते हैं क्या कर रहा है। तो यस, जमील ने सफाई क्लियर कर दी है बिल्कुल। तो हम जमील को पैसे भी देते हैं दवा के। खुश लग रहा है जमील, क्योंकि इसकी तबीयत पहले ख़राब थी, मैंने इसको टेबलेट भी खिलाई है, अब कुछ बेहतर है, अब दवा लेगा। इसको पैसे देते हैं, कितने ये खुद देखेगा। थैंक यू, आप बाबू ने राम, पहले दवा दो, पहले दवा लो फिर दूसरे काम पे जाना। और शाम को जमील को मैंने बोला है कि तुझे इफ्तारी बनानी है, क्योंकि मैं आज गांव जल्दी जाऊंगा किसी काम से, तो जल्दी वापस आ जाऊंगा, लेकिन शाम को इफ्तारी बनाएगा जमील। तो क्या क्या बनाओगे आज? मैं
दही बड़ा बनाऊंगा अपने हिसाब से जी। और रोज तो अब बाबू निज़ाम बनाएगा, आज मैं बनाऊंगा और मैक्रोनी बनाऊंगा, टिक्का मैक्रोनी वो मैं लेके आऊंगा अपने हिसाब से, वो खुद ही मैं बनाऊंगा, दो डिश बनाएंगी, एक दही बड़ा एक मैक्रोनी। तो व्यूअर्स, जमील शाम को ये दोनों रेसिपी बनाएगा, तो वो वीडियो आपको रात को मिलेगा, क्योंकि शाम को पहले हम वो वीडियो शूट करेंगे, तो रात को वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना कि जमील कैसे रेसिपी बनाता है। तो जमील अभी जा रहा है दवा लेने, तो दवा लेके फिर दूसरे घरों में काम करने जाएगा, फिर शाम को वापस आएगा। तो दूसरों वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, ठीक है जमील? थैंक यू। तो व्यूअर्स, अभी बकरों को भी हमने घास दे दिया, सफाई भी बाहर से करवा दी है, और जमील ने भी काम अपना क्लियर कर दिया, और हमने उसको पैसे भी दिए कि जाके पहले दवा ले ले और फिर किसी काम पे जाए, क्योंकि ये बेचारा घरों में काम करता है, तो सारा दिन काम करता है बेचारा, चार पांच घरों में काम करता है, तो बेचारा गरीब है, और इसकी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके लिए भी दवा लेगा। तो मैंने इसको कहा है तो वो दवा मैं शाम को आपको ले कर दूँगा। तो अभी चार पाँच घर हैं, पहले दवा लेगा फिर जाएगा घरों में काम करने दवा लेके। तो दुआ करो सबके लिए कि सबको अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तौफीक दे, और उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। और रोज़े आपके कैसे जा रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सबके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे, क्योंकि रमज़ान अभी बेचारा जल्दी जल्दी ख़त्म होते जा रहा है, क्योंकि आज 20वां रोज़ा हो गया, बाकी 10 रोज़े बचे हैं। तो व्यूअर्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। बाबू निज़ाम व्लॉग को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कर लेंगे एक नए व्लॉग के साथ।